पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, बड़े ध्यान से समझना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, जो एक नेचुरल लाइट है, जो सन से लाइट आ रही है, वो कैसी होती है। मैंने किसी से पूछा सन से लाइट कैसे आ रही है, वो कहता जी वेव की फॉर्म में आ रही है। मैं कहा ड्रॉ करके बता। देखो वेव कैसे बन रही है, ये सोर्स है, मान लो ये सोर्स है, ये लो ये सोर्स है, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ है, ऐसी बन रही है, नहीं ऐसी बिल्कुल नहीं बन रही, ये क्या है, ये पूरा वेव ऑप्टिक्स करने के बाद करें ऐसी भी बनती, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये नेचुरल लाइट की बात हो रही है, नेचुरल लाइट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। नेचुरल लाइट ऐसी है, इमेजिन करो आपके हाथ में एक रस्सी है और मेरे हाथ में एक रस्सी है। देखो मैं वेव जनरेट करूंगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ आपकी तरफ आ रहा है। इमेजिन करो मेरा हाथ ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, हर तरफ चल रहा है, तो सोचो वेव कैसे पहुंच रही है आपकी तरफ। ये वेव भी पहुंचेगी, ये वेव भी पहुंचेगी, ये वेव भी, ये वेव भी। इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। जो आपकी नेचुरल लाइट सन से आ रही है उसकी वेव हर डायरेक्शन में है। तो बेसिकली उसकी वेव हर डायरेक्शन में कैसे, ये मान लो उसकी वेव अगर ऐसे जा रही है, ये एक्सिस है, ऐसे ऐसी भी है, उसकी वेव ऐसी भी है, उसकी वेव ऐसी भी है, और उसकी वेव ऐसी भी है। हर जितने मर्जी एरो ड्रॉ कर लो, हर डायरेक्शन में वेव की प्रोपगेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां भी वेव है, यहां भी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है, इसकी कोई इंटेंसिटी है, यहां भी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है, इसकी भी इंटेंसिटी है, हर का एम्पलीट्यूड, हर की इंटेंसिटी है, इस लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई है, इस लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई है। और अगर आप इस लाइट को, सन की लाइट को डायरेक्ट देखेंगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, इंटेंसिटी टू हाई, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बहुत हाई है, मल्टीपल वेव्स हैं एक तरीके की, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अगर धूप में जाना है तो गॉगल्स लगाएंगे, गॉगल्स महंगे वाले लेंगे, उसमें पोलराइड्स लगे होंगे, तभी वो महंगे हैं, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार तभी आते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल मटेरियल लगा हुआ है जो क्या करता है, वो छान देता है लाइट को, वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है। और फिल्टर कैसे करता है, आपकी लाइट की वाइब्रेशंस या प्रोपगेशन हर तरफ है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा सभी वाइब्रेशन को सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग, सारी वेव कैंसिल कर देगा, एक वेव रख लेगा बस। अब इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, इंटेंसिटी कम होगी, ये लाइट धूप के अंदर आप देखोगे तो कमजोर नजर आएगी, आपकी आंखें खराब नहीं होगी, ठीक। तो इसके अंदर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सपोज करो ये मान लो लाइट है, ये मान लो लाइट है, और मान लो एक फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर लगा हुआ है, तो ये लाइट है, यहां से देखो अगर ये फिल्टर में से ऐसी लाइट है ये क्रॉस हो जाएगी, लेकिन अगर बाकी लाइट्स हैं हर डायरेक्शन में, ये जाली से फिल्टर कर देगी। तो जो लाइट एक एक्सिस के अलोंग रह गई उसको पोलराइज लाइट बोलते हैं, और जिसकी वाइब्रेशन हर तरफ है उसको अनपोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर ये जो सिंबल ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये अनपोलराइज लाइट का सिंबल है, ये देखो अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट का ये सिंबल है, या फिर कई बुक्स ये बनाती हैं, ये देख रहे हो डॉट, ऐसे डॉट का मतलब है वेव प्रोपगेशन अंदर बाहर हर तरफ है, हर एक्सिस पे है, इसे बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। जब ये पोलराइज्ड होगी कैसे होगी, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, अर्थ के अंदर से एक नेचुरल क्रिस्टल निकलता है, और उस नेचुरल क्रिस्टल को बोलते हैं टॉर्मलिन क्रिस्टल, टॉर्मलिन स्पेशल डायमंड की तरह क्रिस्टल है, उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक जाली लगी हुई है, अगर आप लाइट को इसमें से पास करें तो लाइट ये छान के रख देगा, और लाइट की बाकी एक्सिस को कैंसिल करता हुआ सिर्फ इस एक्सिस के पैरेलल लाइट को बाहर भेजेगा, तो लाइट पोलराइज हो गई, अनपोलराइज हर तरफ वाइब्रेशन है, पोलराइज बस ऐसी वाइब्रेशन है। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, आप कहोगे ये भी खत्म कर देते, हाँ गॉगल लगाऊं जो सनलाइट आ रही है सारी लाइट गायब, देखूंगा क्या अंधेरा, तो कुछ तो रखो जिससे दिखाई दे, तो रेटिना में कुछ तो लाइट गिरोगे, तो एक आध वाइब्रेशन तो रखनी पड़ेगी, इससे अगर ये भी नहीं गिरेगा तो वो लाइट नहीं गिरेगी, तो मैक्सिमम लाइट को छान दिया, ये आपके गॉगल्स करते हैं, क्लियर है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं,
पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर जो पोलराइज लाइट है उसका सिंबल और अनपोलराइज लाइट का सिंबल ये है, ये अनपोलराइज लाइट है, इसमें डॉट भी है, पोलराइज में डॉट नहीं है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, इसमें अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, इसमें डॉट भी है, क्रिस्टल से पास करके पोलराइज हो गई, जिस प्लेन में ये पोलराइज हुई इसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन एंड पोलराइजेशन। मुश्किल है इसके ऊपर क्वेश्चन आना, पर मेरा बताना बनता है, बुक्स में गिवन है। इसके ऊपर क्या आएगा बताऊंगा अभी। ये एक टॉपिक जो हमेशा पेपर में आया करता था सीबीएसई में, मतलब स्टैंडर्ड 3 नंबर फ्री के ये डायग्राम ड्रॉ करना होता था। इसके अंदर अनपोलराइज लाइट है, एक टॉर्मलिन क्रिस्टल लिया जिसकी जिसका स्ट्रक्चर जाली जैसा है, इसमें से लाइट जब एंटर हुई तो ये पोलराइज हो गई। अब इन दो लाइट को देखते हुए आप कैसे मानोगे कि लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई? तो आप इसके आगे एक और क्रिस्टल ले लो, एक और क्रिस्टल ले लिया, पहले टॉर्मलिन क्रिस्टल को बोलते हैं पोलराइजर और दूसरे को क्या बोलते हैं एनालाइजर। तो क्या होगा, ये लाइट बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका एक्सिस पैरेलल है, लेकिन अगर आप इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे लाइट बाहर नहीं आएगी। अगर लाइट बाहर ना आई तो यानी कि समझो ये पोलराइज्ड हुई हुई है। पर सोचो अगर इसमें से भी बाहर आ गई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कोई तो इसका एक्सिस ऐसा रह गया इसलिए ये पोलराइज रास्ते में हुई नहीं होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो ये बता सकता है कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई, क्योंकि अगर लाइट बिल्कुल नहीं आई इसका मतलब वाकई इसने इसको पोलराइज किया हुआ है, और इसका एक्सिस 90 डिग्री की वजह से ये पूरी फिल्ट्रेशन कर रहा है और ये लाइट आएगी नहीं। पहले क्रिस्टल को क्या बोलते हैं पोलराइजर, और दूसरे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं एनालाइजर। दोनों के दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अब एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ मैलस बोलते हैं। असली चीज़ यही है जो पेपर में आनी है, बस इसकी थ्योरी करेंगे, 5-10 मिनट की थ्योरी है और 5 मिनट किसका न्यूमेरिकल है, तो उसके बाद ये टॉपिक क्लोज है। और आज का टॉपिक पोलराइजेशन तक की है, तो क्योंकि मेरे को सिर्फ आइडिया देना है उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट पोलराइजेशन का अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए और बिना नाम लिए तो कम से कम उनको आता हो क्या करना है। तो देखो क्या करना है, लॉ ऑफ मैलस ये कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, इसमें ये आपके पास, ये देखो ये आपके पास एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है। तुम पोलराइजर का एक्सिस उठाओ ऐसा दिखेगा, एनालाइजर का उठाओ ऐसा दिखेगा। सोचो एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है, देख रहे हो मेरा हाथ जो फिंगर्स हैं ये एक्सिस हैं, पोलराइजर है एनालाइजर है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है, पोलराइज हो गई यहां पे, अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर लूंगा तो मेरे ऊपर लाइट नहीं गिरेगी, यानी कि कंप्लीटली पोलराइज है। क्या होगा अगर मेरा हाथ ऐसे होगा, एट एन एंगल ऑफ थीटा जाएगी, थोड़ी जाएगी, कट के जाएगी, ऐसे सारी आएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसे कर दिया थीटा एंगल पे कुछ तो आएगी, वो कितनी आएगी ये लॉ ऑफ मैलस बताता है। तो इसलिए आपने देखा होगा, आप बुक्स में देखेंगे पोलराइजर का एंगल है, एनालाइजर का एंगल है, आपको डायग्राम ऐसे दिखाया जाता है एक्सिस का, ऐसे देखें लाइट नहीं गिरेगी, थीटा एंगल पे क्या होगा डायग्राम ऐसा दिखेगा। तो आपको इसीलिए डायग्राम ऐसा दिखा, ये है एक्सिस ऑफ पोलराइजर, एक्सिस ऑफ एनालाइजर। मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ नहीं करता, मुझे इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा कन्फ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये लो ये लो, तो ये आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है, ये लो अनपोलराइज लाइट है, ये लो, ये आपके सामने एक टॉर्मलिन क्रिस्टल है जिसका एक्सिस ये रहा, जिसका एक्सिस ये रहा। अब लाइट इसमें एंटर करेगी और क्या हो जाएगी पोलराइज्ड, पोलराइज हो गई। सामने एक और क्रिस्टल लूंगा, इस बार एंगल पे लूंगा, ये देखो ऐसे लिया, इन दो एक्सिस ये देखो, ये इसका एक्सिस है और ये इसका एक्सिस है, इनके बीच में एंगल सपोज कितना है थीटा, ऐसे लूंगा। ये डायग्राम ज्यादा बेटर है, दिख रहा है कि एंगल थीटा है, कोई डाउट इसमें? ठीक है,
इसके अंदर सपोज करो यहाँ पे जो लाइट है वो पोलराइज हो गई, पोलराइज लाइट की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड सपोज कितना है, ए है, और उसकी इंटेंसिटी सपोज आई नॉट है, आई नॉट है, और आई नॉट किसके इक्वल है, ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही ये एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट यहां पहुंची जिसका एम्पलीट्यूड क्या था, ए, लाइट का एम्पलीट्यूड इसका क्या था, ए, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी एंगल भी थीटा है, तो इस एक्सिस पे इसका कॉम्पोनेंट गिर गया कितना, ए कॉस थीटा। तो लाइट बाहर निकली लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो नई लाइट है वो क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो उसकी जो नेट इंटेंसिटी आई वो क्या बनी, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये है लॉ ऑफ मेलस। तुम्हें पेपर में यहाँ की इंटेंसिटी गिवन होगी आई नॉट, तुम्हें यह बताना होगा कि एक पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और जब वो यहां से बाहर निकली तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूल है। तो पहला रूल क्लियर है, ये अनपोलराइज लाइट, पहले क्रिस्टल ने क्या किया, इसकी पोलराइजेशन कर दी, पोलराइजेशन से इंटेंसिटी आई नॉट हो गई। उसके बाद क्या किया, अगले ने एंगल थीटा बनाया, बाहर लाइट कितनी निकलेगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये भूलना नहीं है। पहला रूल क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? दूसरा, इस चीज को समझ लें, सपोज एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये लो अनपोलराइज्ड लाइट है, फिर से क्रिस्टल है, क्वेश्चन है, इस बार इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है अनपोलराइज्ड की, और क्वेश्चन है कि यहां पर इंटेंसिटी क्या निकलेगी पहले क्रिस्टल में से, ये बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके वाइब्रेशन ने इसके साथ एंगल जीरो भी बनाना है, इस वाइब्रेशन ने 90 बनाना है, इसने 30 भी बनाना है, 60 भी बनाना है, 120 बनाना है, तो 360 तक वाइब्रेशन घूमी हुई है क्योंकि एक्सिस इसका 0, 90, 0 से 360 के बीच में सारे एंगल बनाएगा इस एक्सिस के साथ, तो सारे एंगल बनाएगा। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है, बाहर इंटेंसिटी क्या निकलनी चाहिए, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा एक तो है नहीं, अनपोलराइज लाइट ने इस एक्सिस के साथ तो सारे एंगल बना देने हैं, सारे एंगल का आप इसका एवरेज लेंगे और एवरेज क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ। तो एक रूल है, जब अनपोलराइज लाइट, रूल है जब अनपोलराइज लाइट क्रिस्टल में एंटर करती है तो वो क्या बन जाती है, पोलराइज्ड। तो सबसे पहला रूल, उसकी इंटेंसिटी को हाफ कर देना है, न्यूमेरिकल में गिवन होगा। अगर इंटेंसिटी 10 है, यहां पे इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, 5। अब वो कहेगा अगला क्रिस्टल लो, अगला क्रिस्टल ये रहा, ये रहा, अगले क्रिस्टल ने इसके साथ लेट अस सपोज एंगल क्या बनाया, 30 डिग्री। अब लाइट की इंटेंसिटी रास्ते में कितनी है, आई नॉट बाई टू, अब बाहर क्या निकलेगी, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको क्वेश्चन पोलराइज लाइट और इसके बीच में गिवन है फिर तो आई नॉट जो भी इंटेंसिटी गिवन होगी 10, 15 जो भी है, 15 into cos square theta कर देना। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है फिर सबसे पहला रूल क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी को हाफ करना, फिर लॉ ऑफ मेलस को लगाना। ये इसका रूल है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूं, जैसे सपोज करो आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है टू पोलराइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉस समझते हो, दो पोलराइड्स के बीच में एंगल कितना है, 90, ये रहा। तो दो पोलराइड्स हैं, एंगल उनके बीच में कितना है, 90, सही है। वो कह रहे एक कौन सी लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी कुछ भी आई नॉट है, आपने इस पोलराइजर के एंगल को 60 घुमा दिया, घुमा दिया, बचा हुआ एंगल कितना है, 30, राइट। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बन गया कि सपोज आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है आई नॉट, अनपोलराइज लाइट है आई नॉट,
आपने एक क्रिस्टल के अंदर पास किया तो शॉर्टकट बोलो इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, आई नॉट बाई टू। फिर शुरू में एंगल 90 था पर आपने इन्हें इसको घुमा दिया, शुरू में एंगल 90 था पर और कितना घुमाया 60, तो इनके बीच में एंगल कितना बच गया 30। तो लाइट जो बाहर निकलेगी वो क्या निकलेगी, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30, सही है। क्वेश्चन है कितना परसेंटेज ऑफ लाइट फाइनली बाहर निकला, तो आप इस लाइट को इस लाइट से क्या कर देंगे डिवाइड, तो परसेंटेज जो बाहर निकला आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 को आई नॉट से डिवाइड करके 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत आया करता था, हर साल आया करता था और यही आया करता था, अब आना बंद हो गया, सीबीएसई के 3 नंबर आपके मिस हो गए, चलो कहीं और से पूरे कर लेंगे। पर कंपटीशन में अगर आ गया तो क्या रूल लगाने समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, बस यही है इसमें जो एक चीज़ है जो समझनी है। जैसे टू पोलराइड्स आर अलाइंड सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ देम इज मैक्सिमम, थ्रू वॉट एंगल वन ऑफ देम शुड बी रोटेटेड सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ देम इज रिड्यूस टू हाफ। भाई इंटेंसिटी जो बाहर निकले पहली से आधी हो जाए, मान लो एंट्री पे इनपुट में इंटेंसिटी आई नॉट है और हम क्या चाहते हैं बाहर कितनी निकले हाफ, आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, देखो ना ये मैक्सिमम आई नॉट है, कॉस स्क्वायर लगने से मैक्सिमम थोड़ी ना है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, बाहर कितनी निकली आई, तो वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में थीटा बताओ कि आई क्या हो जाए आई नॉट बाई टू, निकाल लेना आंसर। तो इस टाइप से पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, यही इसका ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है इसमें। और पोलराइजेशन के अंदर एक तरीका नेचुरल तरीका जिससे लाइट पोलराइज होती है उसको बोलते हैं टॉर्मलिन क्रिस्टल, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो नेचर से मिलते हैं, हमने कर ली बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका जिससे कि लाइट पोलराइज होती है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, जब नेचुरल लाइट आती है मान लो जेड एक्सिस पे आ रही है और वो किसी पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है, हर तरफ होगी, लेकिन अगर आप लाइट का कुछ हिस्सा एक्स और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वो पूरी तरह पोलराइज ही दिखेगी आपको, स्कैटर होने के बाद इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, पूरी आपको पोलराइज दिखती है। ये दूसरा तरीका है, बस पता होना चाहिए, कुछ किया नहीं इसमें भी हमने। और लास्ट है रिफ्लेक्शन, आप कहीं लेक सी कहीं भी उसके पास खड़े हो जाएं, डायरेक्ट सूरज को देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो लाइट टकरा रही है पानी के साथ और आपकी आंखों में आ रही है वो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट क्या हो जाती है उसमें पोलराइज, टकराने टकरा के आने वाली लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाती है। तो ये देखो ये लाइट आई, कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ये डॉट के साथ है ये अनपोलराइज है, ये भी डॉट के साथ है अनपोलराइज है, लेकिन जाने वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज है, डॉट का मतलब कंप्लीटली पोल एक एक्सिस है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये तब ट्रू है कि अगर ये जो एंगल है जिसको पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं आई पी या पी एक ही बात है, ये तब ट्रू है अगर टेन ऑफ पी इज इक्वल टू म्यू के इक्वल है, ये कंडीशन है। जैसे अगर पानी का म्यू रूट थ्री है, टेन ऑफ पी रूट थ्री है, तो पी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो अगर आप लाइट को 60 डिग्री पे इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह क्या पाई जाएगी पोलराइज्ड। और ये फॉर्मूला कहां से आया, एंगल पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं इसे, ये वो एंगल है जिसके एंगल पे अगर आप इसे इंसिडेंट करवाएं रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह पोलराइज्ड है, ये वो एंगल है। ब्रूस्टर्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लो आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया तो म्यू किसके इक्वल होना चाहिए 10p, ताकि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पी पोलराइजिंग एंगल क्या है आप यहां से निकाल सकें। अब इमेजिन करें कि ये एंगल पी है, ये एंगल भी पी है, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एक ही बात है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये लॉ कहता है म्यू 10p है, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू साइन पी बाय साइन आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय रिफ्रैक्शन। अब म्यू 10p भी है, म्यू साइन पी बाय साइन आर भी है, इन्हें इक्वेट कर लो, 10p का मतलब साइन पी बाय कॉस पी, साइन पी बाय साइन आर से इक्वेट करेंगे ये कैंसिल, तो साइन आर इज इक्वल टू कॉस पी,
कॉस पी क्या होता है साइन ऑफ 90 माइनस पी, तो आर किसके इक्वल है 90 माइनस पी, या आर प्लस पी क्या है 90। आर प्लस पी 90 का मतलब ये है, ये रहा आर, ये रहा पी, ये रहा पी और ये रहा आर, तो आर प्लस पी 90 का मतलब बचा हुआ एंगल भी कितना है 90। तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर आपकी लाइट पूरी तरह पोलराइज्ड है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 अगर लाइट पूरी तरह क्या है पोलराइज्ड है। इतना मोर देन सफिशेंट है, अगर किसी के कंपटीशन में आना होगा वो इतना कर लेगा। यहाँ से सीबीएसई में नहीं करना, अगली बार क्या स्टार्ट करना है रे ऑप्टिक्स, और छुट्टी कोई ना मारे।